शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। टाइगर को हमने बनाया है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और अब यशराज बैनर के आदित्य चोपड़ा इस सीरीज की अंतिम फिल्म की तैयारी में हैं। जी हाँ दोस्तों, और सलमान खान को तो होना ही है इसमें। आपको बता दें, इस फिल्म का बजट बनाया गया है 350 करोड़ रुपए। ये यशराज की अब तक की सबसे बड़ी बजट फिल्म होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ठोको लाइक अगर आपको भी सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है पसंद है। तो दोस्तों, इससे पहले यशराज की फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का हाल तो पूरी दुनिया को पता है कि फिल्म अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थी। टाइगर की अगली फिल्म की मेकिंग कास्ट लगभग 225 करोड़ जा रही है, प्रचार प्रसार का खर्च लगभग 125 जाएगा, तो फिल्म होगी लगभग 350 करोड़ के आसपास। फिल्म की शूटिंग की खबरें जो आ रही हैं, खबरों की माने 7 देशों में इसकी शूटिंग होगी। टाइगर जिंदा है ने भारत में 339.16 करोड़ का कारोबार किया था, जिसका बजट 150 करोड़ के आसपास था। एक था टाइगर का बजट 60 करोड़ था। एक बात समझिए कि पहली फिल्म 60 करोड़, दूसरी फिल्म 150 करोड़ यानी कि उससे 2 गुना, और तीसरी फिल्म दूसरी से 2 गुना 350 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब निर्देशक का नाम भी सामने आ गया है। मनीष शर्मा इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। अली अब्बास जफर, कबीर खान ने आगे बढ़कर ये मामला मनीष शर्मा के हाथों में दिया है। फिल्म में हॉलीवुड की टक्कर का एक्शन देखने को मिलने वाला है। फिल्म 5 भाषाओं में प्रदर्शित होगी। 350 करोड़ बजट की फिल्म को हिट होने के लिए 500 करोड़ का व्यापार, सुपरहिट होने के लिए 600 करोड़, और ब्लॉकबस्टर के लिए 700 करोड़ के ऊपर का व्यापार करना होगा। वैसे भी सलमान के अलावा कोई दूसरा स्टार नहीं है जो फिल्म की लागत और मुनाफा दोनों निकाल पाए। दोस्तों आपको बता दें कि ये मूवी न तो हमें अगले साल देखने को मिलेगी, और न ही ये ऐसी मूवी है जो 30-40 दिन में शूट हो जाए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हेलीकॉप्टर, गाड़ियां, मशीन गन और हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के साथ साथ बहुत ही हेवी VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इस मूवी को क्रिसमस पे ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन 2022 में। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के बाद ही ये मूवी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट कब की जाएगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेगा स्टार सलमान खान इस मूवी की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2020 को, जिस दिन आपको इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जहां पर इस फिल्म का टाइटल भी रिवील किया जा सकता है। इस मूवी का टाइटल क्या है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन आपको बता दें कि इसकी सारी की सारी स्टोरी आदित्य चोपड़ा ने लिखी है, और यशराज फिल्म से इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस मूवी को 1 साल के बाद ही शूट किया जाएगा, क्योंकि सलमान खान के पास राधे मोस्ट वांटेड बॉय का एक सॉन्ग बाकी है जिसे अभी पूरा करना है। उसके बाद नॉर्थ ऑफ गंग्स मूवी में एक बड़ा सीक्वेंस रहेगा सलमान खान का, और एक ही स्केड्यूल में वो इस मूवी को शूट करेंगे। उसके बाद आएगी कभी ईद कभी दिवाली मूवी, और फिर आएगी बारी टाइगर जिंदा है मूवी की। दोस्तों अब YRF अपनी 15th एनिवर्सरी पर बड़ी बड़ी मूवीज तो रिलीज करने वाला है, लेकिन ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मूवीज की अनाउंसमेंट एक ही दिन कर दी जाएगी, बल्कि आने वाले दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मूवी लवर्स के लिए काफी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि आपको 27 सितंबर तक आने वाले हर वीक में कोई ना कोई बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर बात करें टाइगर 3 की लीडिंग लेडी की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कटरीना कैफ इस मूवी में मेगा स्टार सलमान खान के साथ नजर आएंगे। सलमान खान ने इस मूवी के लिए कितना चार्ज किया है, कटरीना कैफ को क्या मिलेगा, और इस मूवी के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने कलेक्शन के लिए कितना पैसा वसूल किया है, और किस तरह ये मूवी सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी महंगी मूवी होगी, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी इस एक्शन मूवी का बेसब्री से इंतजार है, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,